हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका एक अनदर वीडियो में। और गाइस मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अपना बेस जो कि हम लोग पीवीई में खेल रहे हैं गाइस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा बेस कैसा और कितना बड़ा है और कितना टाइम लगा हमें बनाने में, इन सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि ये हमारा जो सर्वर है पीवीई है और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे फ्रेंड्स का जिनका नाम है जो भी कह लें, नाम वगैरह छोड़ी मोमाया है। सो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा ये सबसे बड़ा सा बेस है। एक मिनट में आपको जो है फ़ोटो मोड करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए कितना बड़ा बेस है हमारा, आपको ऑलमोस्ट दिख रहा होगा सारे बेस। और इसके अलावा आपको यहाँ पर डाइनोज वगैरह दिख रहे होंगे, ये सब सारे के सारे डाइनो ब्रीडिंग के हैं गाइस। और इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे डाइनो दिखेंगे। चलिए मैं आपको अब एक एक का टूर कराता हूँ एक एक चीज़ें। और अब इसीलिए गाइस आपको बेस के अंदर का चीज़ें नहीं दिखा सकता, दैट्स अ सीक्रेट गाइस। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको बेस के ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सारी चीज़ें दिखा दूंगा। सो यहाँ पे हमें क्वेटजल वगैरह जब हम लोग पहली बार आए थे तो आपको वीडियो वगैरह बना के मैंने चढ़ाया था, दिखाया था कि हमने क्वेटजल वगैरह कैसे टेम किया। इसके अलावा ममंत वगैरह भी एक बार टेम किया, थैरी वगैरह भी टेम किया था। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हमें देखिए कितना ज़्यादा दो दो ममंत मिल जाते हैं, इनका लेवल वगैरह आपको दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा ओपी दिख रहा है, कैपेसिटी वगैरह भी अच्छी है, थैरी मिल जाता है, थैरी का भी लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। हमने जब भी टेम किया है काफ़ी अच्छे डाइनो टीम किए हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सब सारे के सारे जो डाइनो ब्रीडिंग के हैं गाइस। और यहाँ पे भी बहुत सारे डाइनो हैं जो कि ब्रीडिंग के, और थैरी का लेवल वगैरह भी आपको दिख ही रहा होगा। और इसके अलावा ये सब आपको सारी की सारी चीज़ें दिख रही होंगी, इसका कलर वगैरह सब म्यूटेशन किया हुआ है कुछ, और कुछ कलर किया हुआ है। और यहाँ पे आरजे वगैरह भी जो कि बड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा डोडोज वगैरह भी हमने जस्ट कुछ ही दिन पहले ब्रीड वगैरह कराया, टीम वगैरह किया, तो डोडो वगैरह का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया, एडिट वगैरह करना है गाइस, करके जल्दी अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आरजे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आरजे भी बहुत ज़्यादा ब्रीड कराए गए हैं, टेम कराए गए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। सो ये सब के सब ऑलमोस्ट ब्रीड कराए गए हैं और दो तीन आरजे जो ऐसे थे हमने टेम किया था। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पेट्राडॉन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पेट्राडॉन भी है जो कि बहुत सारे पेट्राडॉन भी कुछ ब्रीड कराए, कुछ टेम किए गए हैं, दिख रहा होगा इसको भी पूरा कलर वगैरह कर दिया गया है, आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। और ड्यूडोकस भी यहाँ पे जो कि टीम हो रहे हैं, टीम कह रहा हूँ, ब्रीड हो रहे हैं और ऑलरेडी ब्रीड हो चुके हैं कुछ, ये देखिए ड्यूडोकस भी यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे एंकी भी है, एल्काइलो भी एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा 4-5-6 हैं ये भी, कुछ टेम किए कुछ वो किए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रोक्रिप्टोडॉन भी है गाइस हमारे पास, और जब सब शुरू में हमने आया था तब भी हमने इसे टेम किया था प्रोक्रिप्टोडॉन एकदम बिल्कुल शुरू में। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रिफिन है, बट ग्रिफिन के लिए अभी मेरा लेवल उतना खास नहीं हुआ है ताकि मैं इसको राइड कर सकूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, खेला वगैरह नहीं है बहुत दिनों से। और लेट्स हो गाइस, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए सारे के सारे चीज़ें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो है हमने ये सारे के सारे ट्रॉफी हैं जो कि रावण भाई ने कंप्लीट किए हैं, इनके ट्रॉफी है सारे के सारे, उन्होंने पैरासूट वगैरह करके कंप्लीट किया है। ऑल राइट, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए सबसे ओपी बात है हमारे पास रेक्स कितने हैं, आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे रेक्स भी हैं। अभी यहाँ पर चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एटलीस्ट मुझे लगता है 5 से 6 होंगे। और रेक्स के अलावा सबसे खास बात यहाँ पे हमारे पास गीगा भी है गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए ये सब गीगा वगैरह भी हमारे पास हैं, ये देखिए ये रहा हमारा गीगा, इस गीगा भी बहुत ज़्यादा ओपी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आजू बाजू दिक्कत हो रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए ये रहा गीगा, मैं बहुत ज़्यादा टेलीपोर्ट हो रहा हूँ गाइस, छोड़िए अभी, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं, अभी जंप ले लेता हूँ इस साइड। और लेट अब देखिए यहाँ पर गीगा भी हमारे पास, और इसके अलावा यहाँ पर ब्रोंटो भी है, ब्रोंटो वगैरह बैरीज वगैरह फॉर्म करने के लिए हमने रखा था। और अभी फ़िलहाल के लिए आपने जस्ट देखा, और मैं आपको फ़ोटो वगैरह मोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी जो कुछ थैरी हैं जो कि अभी ऊपर जा रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। सो अभी मैं आपको फ़ोटो मोड करके दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर कोई बंदा है, अभी जस्ट ऑनलाइन आया है, वो बेस पर हमारे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। सो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और ये हमारा ओपी सब बेस है जो कि बिल्कुल इसमें 90% 99% भाई मेरे दोस्त का हाथ है बनाने में, मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे कुछ खास बेस वगैरह बनाने आता नहीं है। सो 99% उनको क्रेडिट जाता है बिल्कुल ये सब, और ये सारे के सारे बेस पे डाइनो वगैरह भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है, आपको दिख रहा होगा सारे के सारे एल्की वगैरह भी यहाँ पे हैं जो कि अभी मैच्योर हो रहे हैं, छोटा छोटा छोटे हैं सब। तो उधर के सामने की तरफ जो है हमारा जो है ब्रीडिंग हाउस है,
ये वाला ब्रीडिंग हाउस है वो सामने की तरफ दिख रहा होगा, जहाँ पे बड़े बड़े थैरी हैं, और ये हमारा छोटा सा बेस है आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको फॉर्म वगैरह भी दिखा देता हूँ। और ये हमारा बड़ा सा गेट है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी तरफ फ्रेंच लगे हुए हैं, वॉल्स लगे हुए हैं और लाइट्स। चलिए मैं आपको अभी अपना फॉर्म दिखा देता हूँ, फॉर्म जहाँ पर हम लोग फार्मिंग करते हैं गाइस। तो अभी फॉर्म तो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला गया था इसकी वजह से। तो ये देखिए, ये हमारा फार्मिंग हाउस है जहाँ पे हमने पिछली बार फॉर्म वगैरह किया था, बेरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेरीज वगैरह हमने ऑलरेडी फॉर्म कर लिया था। सो यहाँ पे दो तीन उटंग बेल भी हैं जिससे हमें फॉर्मिंग में ईजी हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे देख ही सकते होंगे आप लोग, मतलब ये सब कलर वगैरह करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता होगा, आप लोगों को पता ही होगा। और ये हमारा बड़ा सा बेस है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा इस तरीके का हमारा बेस है, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, ये देखिए। और लाइट्स, ये सारी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे गाइस, और स्टैचू वगैरह भी लगा रखे हैं थोड़ा बहुत ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने जस्ट शो पीस के लिए यहाँ पे जो टावर भी लगा दिया है, ये देखिए स्विमिंग पूल भी बना दिया है, इसमें थोड़े बहुत डाइनोज जो आएंगे वो रखेंगे हम लोग इसमें। ये देखिए इधर वाला जो है ये सब स्विमिंग पूल है, आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें हम लोग डाइनो वगैरह रखने के लिए लगा रखे हैं स्पेशली, जो पानी के डाइनो होते हैं इसमें रखने के लिए। अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए इसमें फंस गया हूँ, अब लगा तो रखे हैं मगर इसमें से निकलेंगे कैसे मुझे पूछना पड़ेगा मैसेज करके। ऑल राइट गाइस, तो सारी की सारी चीज़ें आपने देख ली, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली अपडेट जो है आप बिल्कुल मिस ना कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।